पैसा जो हुआ है, जो मोदी जी ने किया है, खुद का तो अपना ये भी आप दिखा देना, खुद का तो अपना वो 2.5 साल में उन्होंने एडजस्ट कर दिया है। ये गरीबों काला धन तो उन्होंने ला नहीं पाए 2.5 साल में, जो स्विजर बैंक का लाना था 13-13 लाख रुपया, वो तो लाए नहीं। लेकिन ये आम पब्लिक को जो 1000 वाले हैं, लाख वाले हैं, करोड़ वाले हैं, उनको उन्होंने रुला दिया। ये उनको लगता होगा कि मैंने अच्छा किया हूँ, और जो ऐसा मीडिया में बोलता होगा कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा किया, वो सबसे बड़ा चूतिया है। इसमें जो आप दिखाओ, लेकिन इसको ये जो इन्होंने किया हुआ काम है, इससे अगर पैसा जमा करके गवर्नमेंट को करके किसी गरीब को दे रहे हैं, या कोई विधवा हो, बेचारा अंधा हो, लंगड़ा लूला, उसको दे रहे हैं तो ठीक है ना। नहीं तो ये ला के कोई मतलब ही नहीं था। खुद के इलेक्शन के लिए उन्होंने किया, 4 राज्य में चुनाव है, उसके लिए उन्होंने नीति अपनाई है। बहुत बहुत आई, अब तो मुझे क्या, सभी को ही आ रहे हैं, हमें तो बहुत आई है। हमने खुद दूसरे को 500-500 का नोट लेके 100-100 की नोट दिया हमने उनको। कल 2 पब्लिक मिले थे, बुजुर्ग थे एकदम बेचारे, तो गाली दे रहे थे। मैंने खुद उनको चेंज दिया 100-100 का, जो उन्होंने एकदम से सडनली ये कर दिया। हाँ, पीएम बनो यार, देश को देखो ना। खुद इधर इशू करके, लागू करके खुद निकल गए जापान। उनको कह रहे जापान वालों को यहाँ बुलाओ ना, तुम क्यों जा रहे हो भीख मांगने। मैं तो यही कहूँगा, मेरी व्यक्तिगत राय है, तुम क्यों जा रहे हो, उनको यहाँ बुलाओ मीटिंग के लिए, हमको यहाँ रुला के खुद घूमने जा रहे हो। 500 का तो छुट्टा मिल ही नहीं रहा है, और उन्होंने 2000 की नोट लगा निकाल दी है। और कल मीडिया में दिखाया गया कि 1000 की नोट आने में 2 महीना जाएगा, और 2 महीना झेलना पड़ेगा। अब आदमी 2-2 हज़ार रुपये लेके किससे मांगेगा, आप बताइए। मिला जुला के ये रणनीति जो है, जो 4 राज्य में चुनाव है, पंजाब हरियाणा, पंजाब गुजरात, गोवा और यूपी, समझ गए आप, ये अपना उन्होंने एडजस्ट करने के लिए किया, बट उनका नतीजा उनको मिल जाएगा। 4 राज्य का जब नतीजा आएगा ना, तो उनको मालूम पड़ जाएगा खुद के फायदे के लिए और लोगों को कितना नुकसान झेलना पड़ता है। कोई आदमी टैक्सी में नहीं जा रहा है, गाड़ी में नहीं जा रहा है, कहीं खाना नहीं खा रहा है, राशन नहीं भरा रहा है, और वहाँ बैठे बैठे जापान में से बोल दे रहे हैं कि थोड़ी तो कठिनाई आपको सामना करना पड़ेगा। गलत है ना। आज सबसे बड़ा रॉक कौन बोले तो मोदी जी रॉक है। आज हर बैंक में, हर ATM में इतने लाइन लगी है कि पूछो मत, के शोले में भीड़ भाड़ थी, उस तरह की बैंक में लाइन लगी है, इसलिए पब्लिक आ नहीं पाई, बस वही मार खा गया। अब मोदी जी ने कदम उठाया उनको ही पता। हाँ, ये बात तो ठीक है कि ब्लैक मनी वाले मर जाएंगे, लेकिन गरीब आम पब्लिक बहुत परेशान होगी। आज मेरे पास भी छुट्टा नहीं था, कुछ ना कुछ करके छुट्टा लेके टिकट ली मैंने। आज मेरे जो लोग आते थे 20-25 लोग, आज उसमें से 5 लोग आए सिर्फ, कि किसी के पास पैसे नहीं थे, बोल रहे सबके 1000 के नोट है, 500 के नोट है, सब लगाए लाइन बैंक में, सब आज बैंक में लाइन लगाए लोगों ने। तो आज रॉक ऑन टू कुछ खास नहीं है, मोदी रॉक है। परेशान ठीक है, छुट्टे पैसे बहुत कुछ है, समोसा खाने के लिए पैसे है, समोसे चाय पी सकते हैं, बाकी पिक्चर में मज़ा नहीं आई। जो लास्ट का गाना अच्छा था, रॉक ऑन, जो टाइटल सॉन्ग है, गाना चल रहा है, ऑडियंस सब बाहर, ये सब गलती करते हैं लोग, बड़े बड़े लोग गलती करते हैं कि लास्ट में गाना डालते हैं, टाइटल चल रही है, गाना चल रहा है, श्रद्धा कपूर डांस करिए, पब्लिक बाहर, तो क्या फ़ायदा फिर। 5 में से 1-1.5। सर, ये जो मोदी जी ने अभी जो 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स को बैन करके नया जो शुरू किया है, वो चेंज के बारे में आप क्या? ये चेंज जो आया है 500 और 1000 रुपए का बैन हो जाना, इट हैज़ अफेक्टेड नॉट ओनली द मूवी थिएटर्स, छोटे से छोटे बिजनेस करने वाले को भी फ़र्क पड़ गया है। मतलब छोटे से छोटा फ्रूट बेचने वाला बता रहा था कि भाई एक कोई ग्राहक आया उसके पास, कह रहा है कि भाई 1 किलो सफरचंद दे दो, ठीक है, अब इस तोला गया, सफरचंद को तोला गया और दे रहा है उसको, तो कहता है कि भाई 500 का नोट दे रहा है, तो कहता है कि भाई मेरे पास तो छुट्टे हैं नहीं, तो वो बेचारे ने 1 किलो सफरचंद छोड़ दिए वहाँ पर, लिए नहीं, यू नो। आज छोटे से छोटे, अच्छा ये थिएटर तक अभी मैं टिकट्स लेने गया हूँ, ले रहे जहाँ ग्लोबस था, ठीक है, 2 टिकट्स 11:45 का शो, 300 रुपये, 500 का नोट दिखा रहा हूँ, तो कहते हैं नहीं मेरे पास तो छुट्टी नहीं है, तुमको यही देने पड़ेंगे, मतलब यू नो करेंसी, तो 100-100 के नोट चलो ठीक है, छोटी सी बात है, 2 टिकट्स मिल गए हमको 300 रुपये में, तो इट इज़ अफेक्टेड एवरी बिजनेसमैन, छोटे से छोटा आदमी क्यों ना हो,
यू नो पब्लिक इज अफेक्टेड बाय दिस सडन चेंज ओवर नो डाउट यू नो।